नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप नाइन। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और सबसे पहले बात यूपी के चुनावी घमासान की। यूपी में बीजेपी की नई रणनीति क्या है? यूपी में धर्म चलेगा या फिर जाति, बड़ा सवाल। यूपी के दंगल में भारतीय किसान यूनियन का यूटर्न क्यों? इलेक्शन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आप देखिए टॉप नाइन यूपी का युग। बीजेपी की चुनावी रणनीति तैयार है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सांसदों को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाएगी तो एक परिवार से एक ही सदस्य को टिकट मिलेगा। जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देने की रणनीति बनाई गई है। वहीं बीजेपी का बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी से भी गठबंधन नहीं होगा। आज गाजियाबाद में सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों के मन में भय पैदा किया था, समाजवादी पार्टी अब उन्हें गले लगा रही है। सीएम योगी के मुताबिक 10 मार्च के बाद पेशेवर अपराधियों को उनके बिल में घुसकर मारेंगी। आज लखनऊ में बीजेपी को हराने के लिए किसानों के साथ अखिलेश यादव ने अन्य संकल्प लिया और कहा कि किसानों पर अत्याचार करने वाली बीजेपी की हार तय है। उन्होंने किसानों से कई चुनावी वादे भी किए। इस मौके पर किसान नेता तेजेंद्र विक्र भी साइकिल पर सवार हो गए। समाजवादी गठबंधन के साथ डेडलाइन खत्म होने पर चंद्रशेखर आजाद ने तलखी दिखाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सत्ता आई तो अखिलेश जिम्मेदार होंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाई बनकर मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पश्चिमी यूपी में चुनावी हलचल तेज है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आज सिसौली में बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की और टिकैत की तबीयत का हालचाल लिया। इससे पहले नरेश टिकैत ने समाजवादी गठबंधन को समर्थन देने पर यूटर्न लिया और कहा कि बीकेयू का आशीर्वाद सबके साथ है। पश्चिमी यूपी में चुनावी जंग दिलचस्प हो रही है। ओवैसी और मायावती ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाई हैं। पश्चिम यूपी की 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों का तांता लगा है। इन सीटों पर मुस्लिम वोट बंटने से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। यूपी इलेक्शन को महबूबा मुफ्ती ने बेहद अहम बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को फिर बाबर औरंगजेब याद आ रहे हैं। बीजेपी के पास यूपी में कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर यूपी में इनके पास अस्पताल होते तो लाश गंगा में नहीं तैरती। यूपी चुनाव में मौलाना तौकीर रजा ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया और कहा कि 2012 से 2017 के बीच यूपी में 176 दंगे हुए। ऐसे में मुसलमानों के लिए बीजेपी से ज्यादा अखिलेश यादव खतरनाक हैं। यूपी चुनाव में आम आदमी पार्टी का अंदाज अब बदला हुआ है। आज संजय सिंह ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया तो चंद्रशेखर की खुलकर तारीफ की। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अवसरवादी नेता बताया तो बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी करार दिया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।